हेलो फ्रेंड, मैं नीलमा सिंह। आज मैं मैरी गोल्ड का जो सीडलिंग की थी उसी का प्लांट हुआ है उसी को मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, उसी का वीडियो मैं दे रही हूँ। ये मेरा क्रिसैंथेमम था, सब वो सूख गया है तो उसी को दो तीन दिन माटी को मैंने पूरा ये पूरा खा दिया है, मैंने इसको सुखा दिया है, उसी में मैं रिपोर्टिंग करूँगी। फिर भी मैं उसमें और सब खाद सब मिला रही हूँ उसी का। मैं पहले मेन जो कोई भी प्लांट भी लगाइए सबसे मेन है उसका सॉइल मीडिया है। सॉइल मीडिया अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका कोई भी प्लांट छोटा पॉट में दीजिए या बड़ा पॉट में दीजिए चलेगा। अगर सॉइल मीडिया ही अच्छा नहीं रहेगा तो कोई पॉट नहीं माने रखता है, तब आपका प्लांट नहीं चलेगा। मैं बहुत कम है ऊपर में गार्डन करती हूँ और मिट्टी का भी मतलब कम ही प्रयोग करती हूँ। मैं किचन वेस्ट खाद बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मिट्टी रखती हूँ, ज़्यादातर उसी का प्रयोग करती हूँ। नहीं तो बर्मी कंपोस्ट जब भी कभी मंगा लिया, गोबर की खाद, यही सब मैं ज़्यादातर। ये देखिए, फिर मैं इसमें अभी थोड़ा सा नया के लिए थोड़ा सा मस्टर्ड केक थोड़ा सा ही एक मुट्ठी मैंने मिला दिया है। ये बर्मी कंपोस्ट है क्योंकि ये इसमें खाद ज़्यादा मिला हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा ही बर्मी कंपोस्ट दूँगी। ये ऑलरेडी है पूरा मेरा बना हुआ है। मेरे पास मेरी गोल्ड गेंदा लगभग हमेशा 12 महीना होता है। गर्मी में थोड़ा एक कम खिलता है लेकिन रहता है, प्लांट रहता है। फिर मैं जुलाई में उसका सब कटिंग से लगा देती हूँ, फिर जाड़े में बहुत अच्छा से खिलता है। ये देखिए, अब मेरा ये सब लड्डू गेंदा सब ये अब लास्ट हो रहा है। तो मैंने 1 महीना पहले सीडलिंग कर दिया था, जो सूखा था फूल उसी से मेरा ये दिसंबर में 15 दिसंबर के माध्यम इसको मैंने सीडलिंग कर दिया था। ये प्लांट सब हुआ है, अब मैं इसका रिपोर्टिंग करूँगी। तो जब तक ये प्लांट सब मेरा सूखेगा मेरा ये फ्लावर, अभी ये मार्च तक ये फ्लावर देगा, मार्च अप्रैल तक फ्लावर देने लगा। और ये प्लांट मेरे पास हमेशा रहेगा, फिर उसका मैं कटिंग लगा लूँगी, उसी का मैं वीडियो दे रही हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट भी कर दीजिए। अगर पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि मैं 4 साल से वीडियो बना रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर 500 भी नहीं हुए। मैं पहले नहीं बोलती थी तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं जो कोई भी वीडियो बनाऊंगी आप सब लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखिए, मैं एकदम बहुत हल्का अपना बनाती हूँ, एकदम बहुत हल्का। ये देखिए, ये चाय पत्ती को मैंने इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले, चाय पत्ती को सुखा के। ये देखिए एकदम भुरभुरा, इसको मैं इसको भी मिला दूँगी। चाय पत्ती भी बहुत अच्छा खाद माना जाता है फूल के लिए। ये देखिए, तो 1 महीना के बाद फिर मेरा जब जब इसमें फ्लावर आएंगे फिर मैं उसका वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने, ये है नीम की खली। नीम की खली सब डालना एकदम जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये डाल देंगे तो कोई भी फंगस आपको कीड़ा मकोड़ा आपके प्लांट में नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने इसमें आप सबको मैंने अच्छा से, और फंगीसाइड पाउडर वो मैंने पहले ही थोड़ा सा डाल दिया था उसका वीडियो, वो भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया। अब देखिए बहुत अच्छा से एकदम, ये देखिए बोला, वो कोकोपीट में नहीं लाते, कोकोपीट तो बाज़ार से मंगाना पड़ता है। अपना खुद जितना कम खर्च हो कम खर्च में गार्डनिंग करती हूँ। ये देखिए, अब मेरा सॉइल मीडिया बहुत अच्छा से तैयार हो गया है, मैं सबको रिपोर्टिंग करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं छोटे छोटे पॉट में ही लगाऊंगी। ये देखिए सबको इस तरह से सबको भर दे रहे हैं। इस समय पूरा मैंने छोटा छोटा होल कर दिया है, और उसमें ये जो पतले वाले कपड़े आते हैं उसको फाड़ के मैंने लगा दिया है, क्योंकि मिट्टी नहीं निकले। ये देखिए, इस तरह से आप लोग भी लगाएंगे तो आप लोग का भी बहुत अच्छा से प्लांट होगा, खिलेगा। ये देखिए, ये मैं लगा दे रही, मैं 1.5 महीना पहले सीडलिंग कर दिया था। फिर मैंने सीडलिंग किया है, वीडियो के अंत में मैं दिखलाऊंगी। वो भी जर्मिनेट हो गए हैं, 1.5 महीना के बाद उसको भी मैं कर दूँगी।
इस तरह से मैंने लगा दिया है। हमेशा मेरे पास मैरीगोल्ड गेंदा का प्लांट रहता है। ये भगवान को भी फूल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको हमेशा लगाते रहती हूँ। और कोई भी फ्लावर आपको नहीं मिलेगा इधर जाड़ा में, ये खूब अच्छा से खिला, यही फूल से मैंने भगवान का पूजा किया है। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ मैं इस तरह से। इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर से जरूर करें। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया है। तब मैं छोटे छोटे पॉट में ही ज़्यादातर लगाती हूँ। छत में बड़ा बड़ा पॉट ज़्यादा रहने से छत भी भारी हो जाता है, इसलिए छत में जितना छोटे में सॉइल मिली अगर अच्छा रहेगा तो आपको छोटे पॉट में भी बहुत अच्छा से फ्लावर खिलेगा। ये देखिए ये मेरा ये सब ये जाफरी ये सब खिल रहा है। ये सब अब अंत होगा कुछ दिन में, तब तक जब तक वो अंत होगा तब तक मेरा ये सब हो जाएगा। ये देखिए अब मैं सब में पानी डाल दूँगी। इसी तरह आप फूल लगाएंगे कि आप लोग का भी बहुत अच्छा से फ्लावर मेन है। सॉइल मीडिया इसलिए मैंने बना के दिखाया है, जितना हल्का आपका सॉइल मीडिया होगा उतना ही अच्छा फ्लावर आपका खिलेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। नीलिमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।